सीपीटी एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स हासिल करने वालों में से एक है सचिन अग्रवाल, जो अभी मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये बेहतरीन मुकाम हासिल किया। हेलो सचिन। हेलो मैम। सचिन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका रिएक्शन कैसा रहा सबसे पहले जब आपको रिजल्ट के बारे में पता चला। मुझे मेरे रिजल्ट के बारे में मेरे भैया ने बताया, उनका फोन आया, उन्होंने मुझे रोल नंबर पूछे मेरे, तो मैंने उनको रोल नंबर बता दिया। उन्होंने फिर मुझे बताया कि तेरे 187 मार्क्स आए हैं, मुझे अच्छा लगा। मैं फिर मेरे पापा का फोन आया, उन्होंने मुझे बधाई दी और मुझे अच्छा लगा। सचिन, क्या आपको लगता है कि आपके 187 मार्क्स आएंगे? हाँ, मुझे इतनी उम्मीद थी। हाँ, तो आपने कोचिंग कहाँ से किया? और मैंने भी ऐसा ही थी कोचिंग की, और मेरे भाइयों ने भी इधर थी कोचिंग की थी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि यहाँ थे कोचिंग करना, और उनके भी यहाँ थे रैंक आई थी, इसलिए मैंने भी ऐसे थे कोचिंग की। तो आपके ब्रदर्स की अच्छी रैंक आई बीएसआई से, इसलिए आपने बीएसआई को चुना। अगर बात की जाए स्टडी की, तो आपने कितना फोकस स्टडीज को लेकर यहाँ पे किया, और मोटिवेट आपको किसने किया? मोटिवेट मुझे आरती सर ने किया। शुरू में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने कम पढ़ाई की, फिर लास्ट की 20-25 दिन पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, और मुझे आरती सर ने मोटिवेट किया कि अब पढ़ाई करने लग जा 15-20 घंटे, तो फिर मैंने बाद में पढ़ाई की, और फिर बाद में मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आए। जो मॉक टेस्ट आपने दिए, उन्होंने आपकी कितनी मदद की एग्जाम को लेकर? मेरे एग्जाम को लेकर मॉक टेस्ट से मुझे बहुत फ़ायदा मिला, उनसे मुझे मोटिवेशन हुआ कि वो अच्छे नंबर आने लगे, और इससे मुझे मेन एग्जाम में टेंशन नहीं हुई, बहुत कम मुझे अच्छा मेन एग्जाम का पेपर एकदम सिंपल लगा, इसलिए मुझे मॉक टेस्ट से बहुत मदद मिली। तो मॉक टेस्ट एक बार हम देते हैं, तो फिर वो जब मेन एग्जाम में हम जाते हैं, तो हमको लगता है कि ये चीज़ तो हम पहले भी कर चुके हैं एक तरीके से, ऐसा लगा? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ये भी कर चुके हैं, मुझे एकदम सिंपल लगा वहाँ पे, तो मुझे कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई मेन एग्जाम देते वक्त। तो सचिन, अगर मैं बात करूँ आपसे, पूछूँ सी इंटरमीडिएट की, तो उसको लेकर आपके क्या प्लान है, कोचिंग को और पढ़ाई को? मैंने इसी इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, यहाँ मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया है, और मैं वर्क हार्ड कर रहा हूँ कि जो मेरी इसमें सी इंटरमीडिएट में भी अच्छी रैंक आए। तो आपने बीएसआई को क्यों चुना वापस से सी इंटरमीडिएट के? ये मेरे भैया ने मुझे गाइड किया कि यहाँ से करना है, यहाँ ये बीएसआई रैंक देती है, इसलिए मैंने उनके रैंक भी पहले यहाँ से आ चुके हैं, इसलिए हाँ मेरे भैया की रैंक आई है, दोनों भाइयों की, इसलिए मैंने बीएसआई को चुना है। तो आपको क्या लगता है कि जो भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपना? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो टेंशन ना ले, बहुत ईजी है सीपीटी, तो उसमें भी ऐसे एक नोट से पढ़ाई करें, वो उनसे 180 से ऊपर आराम से मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू सचिन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू मैम।